नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल जॉब केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निकाले गए अप्रेंटिसशिप एग्ज़ाम 2024 के बारे में। इसकी एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है ऑफिशियली इसके वेबसाइट पे, तो आपको परीक्षा केंद्र पर क्या क्या दस्तावेज लेके जाने हैं इस पर मैं ये वीडियो बनाई है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार की वीडियोस के लिए, और वीडियो पसंद आए हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने के लिए, और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट कैरियर पेज पे हैं, जहां एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में आप देख सकते हैं। इसके लास्ट डेट इम्पॉर्टेंट जो डेट है इसके फॉर्म भरने की वो है 27 मार्च, वो एक्सटेंड कर दी गई थी। उसके बाद ये एक कोरेंजेंडम आया है, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये पेज खुलता है जिसमें आप देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन डेटेड 21/2/2024 एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम कैंडिडेट फॉर द एंगेजमेंट ऑफ द 3000 अप्रेंटिसशिप इन कंटिन्यूशन टू अवर नोटिफिकेशन इट इज़ हेयर बाई नोटिसफाइड दैट द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप इज एक्सटेंडेड टिल 27 मार्च 2024। और इस लाइन में लिखा है द टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन शैल बी 31 मार्च 2024। तो आपका एग्ज़ाम 31 मार्च को होगा। अब उस एग्ज़ाम में इसके कॉल लेटर जैसे ही आते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए। और 31 मार्च को अब आपका जब एग्ज़ाम है तो उसमें परीक्षा केंद्र में क्या क्या दस्तावेज लेके जाने हैं, चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिसशिप एग्ज़ाम 2024 एट एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम डेट है 31 मार्च 2024। उसके बाद आपको इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है एडमिट कार्ड का। जब इसके एडमिट कार्ड आएंगे मैं आपको वीडियो बना के सूचित कर दूँगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही एडमिट कार्ड आते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे तो मैं आपको वीडियो बना के सूचित करूँगा, आपको अपडेट दूंगा। और सेकंड पॉइंट पे आपको लेके जाना है ओरिजिनल गवर्नमेंट इशू फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ। इनमें से आप कोई भी ले जा सकते हैं, आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, पासपोर्ट हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ हुई, फ़ोटो आईडी प्रूफ इशूड बाय अ गजिस्टर्ड ऑफिसर ऑन ऑफिशियल लेटर हेड अलॉन्ग विद फोटोग्राफ। इनमें से कोई भी एक आप डॉक्यूमेंट अपने साथ ओरिजिनल ले जा सकते हैं। और नोट में ई आधार कार्ड एंड राशन कार्ड आर नॉट वैलिड आईडी प्रूफ। ई आधार कार्ड और राशन कार्ड वैलिड आईडी प्रूफ नहीं है। इसके बाद फोटोकॉपी भी लेके जानी है आपको गवर्नमेंट इशू आइडेंटिटी प्रूफ की, और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपने संग कैरी करके ले जानी है। जैसे ही आपने सेम एज अपलोडेड इन ऑनलाइन फॉर्म में आपने फिल करते समय अपलोड करी थी, और स्क्राइब कैंडिडेट की फैसिलिटी ले रहे हैं आप तो स्क्राइब का फॉर्म डली फिल्ड होना चाहिए विद फोटोग्राफ और साइन के। अब इसके बाद स्पेशल नोट है फॉर फीमेल कैंडिडेट आफ्टर मैरिज, जिनकी मैरिज हो जाती है फीमेल कैंडिडेट के लिए, उनके लिए नोट है द फोटो आइडेंटिटी प्रूफ मस्ट कंटेन एग्जैक्टली द सेम नेम होना चाहिए। फोटो आईडी प्रूफ में जैसा फोटो आईडी प्रूफ में नेम है वैसे ही कॉल लेटर में नेम होना चाहिए एज इट अपीयर ऑन द कॉल लेटर। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन आइडेंटिटी दैट मीन्स मिसमैच इन नेम फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर द कैंडिडेट मे नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। आपको एग्जामिनेशन अपीयर नहीं करने दिया जाएगा। इन केस ऑफ कैंडिडेट हु हैव चेंज दियर फर्स्ट नेम विल बी अलाउड ओनली इफ दे प्रोड्यूस ओरिजिनल रजिस्टर्ड नोटिफिकेशन। जब आपको आपका एग्ज़ाम जब भी देने दिया जाएगा जब आप ओरिजिनल रजिस्टर्ड नोटिफिकेशन प्रेजेंट करते हैं दिखाते हैं, या ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट आप दिखाते हैं। तो दो डॉक्यूमेंट हैं आपके पास, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले जाएं
जेन जो फीमेल कैंडिडेट की मैरिज हो गई है उनके लिए है ये। तो आज मैंने आपको बता दिया इसके परीक्षा केंद्र पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट एग्ज़ाम सेंटर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 3000 अप्रेंटिसशिप की ये एग्ज़ाम होना है। तो और आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। और अगर आपको कोई और भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैंने आपको बता दिया परीक्षा केंद्र पर क्या क्या दस्तावेज लेके जाने हैं और एग्ज़ाम डेट क्या है इसकी। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, इसी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।